साथ साथ नोएडा से एके मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रोजगार, राजनीति और रार, एके मिश्रा साहब, लेकिन सवाल मेरा सीधे तौर पर, क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दा है और उसको लेकर राजनीतिक नजरिए से चीजों को समझने की हमें जरूरत थी, वो चीजें हमने समझी। नौकरी चाहिए या तीन तलाक पर चर्चा चाहिए, जिन्ना पर चर्चा चाहिए, राम मंदिर पर चर्चा चाहिए? देखिए, सॉलिड ग्रोथ जो होता है, जो हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी जब अपने एजेंडा में डिक्लेयर करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और डिफरेंट पैरामीटर पे देखा जाए तो किसी भी स्टेट और गवर्नमेंट का जो ग्रोथ होना चाहिए किसी भी कंट्री का, वो पैरामीटर तो ये 5 साल भूल जाते हैं। केवल इनका चुनाव तक होता है और हमेशा हर चीज़ में राजनीति। मैं बात केवल बीजेपी की नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी इस मामले पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। 3-4 साल बीत जाने के बाद जो फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेम यही कंडीशन पीछे की सारी पार्टियों की रही है। 60-70 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी की रही। ये यूपी की अगर मैं बात करूं तो आपके चैनल पे मैंने पहले भी बोला था, कामधेनु गाय एक होती है जो आपने सुना है। राजनेताओं ने उत्तर प्रदेश को राजनीतिक कामधेनु गाय बना लिया है। संसद में जाने के लिए 85 से ज्यादा सीटें चाहिए, सब जाके वहां पे कोई गंगा नहाएगा, कोई मत्था टेकेगा और वोटरों के साथ वादे करेगा। बात जब विकास की आती है तो नेशनल स्तर पे यूपी, बिहार, ये सारे स्टेट सबसे फिसड्डी, सबसे पीछे शामिल होते हैं। छोटा सा स्टेट गुजरात है। बीजेपी का आप ये देखिए, यूपी से अगर आपको सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है राजनीतिक, तो यूपी के ग्रोथ के लिए उतने ज्यादा आप इफर्ट क्यों नहीं ले रहे हो? बुलेट ट्रेन आपकी चलेगी, कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो वो पहले गुजरात में जाएगा। तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला वो हो गया ना कि सारा चीज इंडिया से रहेगा, ग्रोथ इंग्लैंड का होगा। तो आपको फोकस ये करना है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे खास बात यह है, यूपी की जो अपनी पार्टियां हैं, जो यहाँ की रीजनल पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और आप ये देखिए बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों ने भी विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने अपना राजनीतिक हित देखा, अदरवाइज यूपी बहुत आगे निकल गया होता आज जो पोटेंशियल है। ठीक है, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होती है। और जो बात पाठक जी ने उठाई, तो रेवेन्यू जनरेट करना ये गवर्नमेंट का काम है। नहीं, आपने नहीं बताया ना कि साहब हम नहीं, आपने आपने जब वोट मांगा तब आपने ये सब कंडीशंस नहीं बताई थी कि भैया हम जो है 4 साल में 2 करोड़ नौकरी का जो हमने वादा किया था। राणा सर, एक चीज ये बताइए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी खूबसूरती से वोट तो जनरेट कर लेते हैं, आपकी पार्टी बड़ी माहिर है, लेकिन रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट कर पाते हैं उत्तर प्रदेश या किसी और से? देखिए, या तो आप ये बोल दीजिए कि हम वोट जनरेट करने में माहिर हैं, रेवेन्यू और रोजगार जनरेट करने में हमारी सरकार को कोई कुछ नहीं आता। क्यों दूसरा क्यों माहिर नहीं है? कौन वोट नहीं लेना चाहता है? जिस हिसाब से आप वोट जनरेट कर लेते हैं, रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ाइए? नौकरियों पर आइए, नौकरियों पर आइए। साहस है तो आप जरूर बताइए कि आप दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों रोजगार की बात करते हैं, क्यों रोजगार जो है दे रहे हैं? ये बात वही व्यक्ति कर सकता है जो पूर्ण रूप से एक नए पैसे का भी किसी के ऊपर भ्रष्टाचार ना हो। या आदमी आप बिल्कुल मांग करिए, आपके जब राजनीति शुरू करते हैं तो कंगाल से मालामाल हो जाते हैं। नहीं नहीं सर, आपके एक भी आपके आपके शिक्षा विभाग के भीतर ही हालत देख लीजिए। छात्रों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता, लाठियां नहीं खानी पड़ती, नौकरी के लिए लाठियां नहीं खानी पड़ती। सर सर प्लीज, मैं बता रहा हूँ, की रोटी जो लोग से अधिक की संपत्ति के मुकदमे झेलते हैं वो कौन? सर सर कि कोई और है सर, तो आपकी तो बेरोजगारी दूर होगी राजनीति। सर एक सेकंड, सर मैंने आपसे यही कहा ना, परिवार तो गया की रोटी, परिवार का तो और मशरूम 80,000 रुपए किलो। सर मुद्दे पर आइए, अपनी सैलरी नरेंद्र जी जल्दी से मुद्दे पर आइए। सर खाली पदों के लिए, भर्ती के लिए सरकार ने क्या किया मुझे ये बताइए। एक सेकंड, मनोज यादव आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड। सर ये बीमारी व्यवस्था के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? अभी एक सेकंड, हमने लोन दिया और आप भगा दिए। सर एक सेकंड, आपकी पार्टी कोई बहुत पाक साफ नहीं है। आपकी पार्टी में भी नोएडा में क्या क्या घोटाले हुए हैं सर, जरा वो भी आप देख लीजिए। मैं सारे राजनीतिक पार्टियों की बात करता हूँ,
नीरा यादव का केस आपका पड़ा हुआ है, नोएडा में यादव सिंह का केस आपका पड़ा हुआ है, उसके ऊपर तो आप नहीं बोलेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। नेतृत्व बेईमान होगा सर, सर ये चुनावी भाषण नहीं, आंकड़ों के आधार पर बात करिए। राणा जी मुझे ये बताइए कि खाली पदों के लिए भर्ती करने के लिए सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने, सीधा बताइए। अरे मिश्रा जी थोड़ा मोदी जी का सर, एक सेकंड सर, मैंने ज्यादा प्लीज प्लीज मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं आप, समझिए। सर सर राम मंदिर पर चर्चा नहीं हो रही, प्लीज सर। मनोज यादव जी चिराग तले अंधेरा पाले, आप अपनी पार्टी के अंदर आप संभाल लीजिए, आप अपनी पार्टी को तो मैनेज कर नहीं पा रहे हो तो प्रदेश को क्या मैनेज करोगे सर आप? सर ये क्या है? आप मैनेजमेंट वही देख लीजिए, आपकी पार्टी तार तार हो गई है सर, 55 सीट पे आ गए। बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑडियो नीचे करिए, सबका ऑडियो नीचे करिए। मनोज यादव ये हंसने का वक्त नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है और मैं चाह रहा था कि आराम से सब लोग अपनी बातों को रखें, लेकिन अफसोस कि आप लोग सब आदत से मजबूर हैं। तीन रिएक्शन सुनाइए ये। सर हो गया प्लीज, जनता देख रही है आपको, इस वक्त सिर्फ हाथ हिल रहा आपका। तीन रिएक्शन सुनाइए और फिर उसके बाद चर्चा पे आ रहा हूं। राणा जी आ रहा हूं, एक सेकंड। राणा जी माने ना माने, यह हकीकत है कि 15 सालों की स्थिति यह रही कि यूपी सिपाही की भर्ती और मास्टर की भर्ती पर अपने मकान बेच दिए लोगों ने, जिंदगी चली गई लोगों की। आज भी सिपाही की भर्ती और मास्टर की भर्ती के लिए लड़ रहा है हुआ, हर बार नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान देता है, नौकरी रजिस्टर पर साइन नहीं कर पाता। एके मिश्रा साहब क्या ये दुर्भाग्य नहीं, और ये वजह क्या है? नहीं वजह देखिए, मैं तिलक जी मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में आप ही के टीवी चैनल पे हुआ था संसद में, जहाँ 35% से ज्यादा दागी नेता बैठे हों, सांसद बैठे हों, सारे नेताओं की आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या है, आप इनसे कैसे, मैं बोलता हूँ आप किसी भी टीवी चैनल पे जरा इनसे पूछिए कि आप कोई 10 उपाय बताओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर आपको रोजगार बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए प्लानिंग, यहाँ पे आप देखेंगे किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ लोग वादे कर देंगे जी हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम 10 लाख बढ़ा देंगे, उन्होंने 100 नौकरी दी थी तो हमने 101 दिया इसलिए हम बेस्ट हो गए हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट है डिफेंस पैराडॉक्स, हमारे देश का जनता का दुर्भाग्य है कि हम मजबूर हैं ऐसे अक्षम लोगों को चुनने के लिए, क्योंकि सारे नेता वही हैं जो अच्छे और जो मतलब जो काबिल लोग हैं। देखिए जॉब क्रिएट करना, महंगाई को कंट्रोल करना, ये कोई मामूली चीज नहीं है, केवल बोल देने से नहीं होगा, एक बहुत ही इंटीग्रेटेड और सोफेस्टिकेटेड जो है आपको ये प्लानिंग चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए और ये कॉन्टिन्यूस वे में होना चाहिए, 5 साल 10 साल तब जाके ये होगा। यहाँ पे देखिए अभी हमारे मित्र जो पाठक जी है जो सीनियर भी है, उन्होंने बोला कि ये हमारी मजबूरी है, मैं बोलता हूँ ये हमारी मजबूरी नहीं, ये हमारी ये पॉलिटिशियंस की राजनीतिक, आप ये बोलिए कि चालाकी है, जनता में उनको जनता को इन चीजों में फंसा लेंगे, हम आपको लैपटॉप दे देंगे, हम आपको नौकरी दे देंगे, ये हार्ड कोर पैरामीटर पे ये लोग काम करते ही नहीं है, किसी का विकास नहीं हो सकता है क्या? एक सर आपके टाइम में विकास हुआ था तभी, आप और कांग्रेस के टाइम में विकास हुआ है तभी यूपी आज भी बीमार राज्य है सर, आप फिगर उठा के देख लीजिएगा, शांति के साथ हो रहा है ना सर, सब कुछ सर सरकार से जवाब ले ले, एक सेकंड अनुज यात्रा साहब आ रहा हूँ आपके पास, सरकार से जवाब ले ले सर, समय निकल रहा है, राणा जी चाहिए समय निकल जाए, एक सेकंड प्लीज, उनको देखिए गायत्री प्रसाद के ऊपर मैंने बोला, एक मिश्रा जी बिलियनर, मनोज यादव प्लीज, 400-500 जो नेता है उन्हीं के विकास हो रहा है, गंभीरता को समझिए प्लीज, विकास नहीं हो रहा, प्लीज 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 एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड, मनोज यादव मुद्दे पर आने दीजिए प्लीज, राणा जी सर एक सेकंड प्लीज, मनोज यादव रियल मत करिए मुद्दे को प्लीज, समझिए गंभीरता को सर प्लीज, यादव सिंह जैसे लोगों का विकास हो रहा है, एक निशानी में ब्रेक ले लेता हूं, महीने की नौकरी सर, एक सेकंड में ब्रेक ले लेता हूं, करोड़ का मालिक बन रहा है सर, प्लीज ऐसे नहीं होगा सर प्लीज, फिरो किसी को गाली दो ना, एक सेकंड मनोज यादव प्लीज, सर्टिफिकेट मत बांटिए प्लीज, जब देखो नेता सर, एक सेकंड राणा सर, टीवी पे कहानी कहने राणा सर, सर एक सेकंड, आपने इतिहास लिखा है, 250 सीट पे आ गए हो, एक निशा प्लीज प्लीज, टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं होता, 55 सीट मनोज यादव यही होता है, आप लोग फंस जाते हैं, एक सेकंड जो विकास की आप बात कर रहे हो ना उसी विकास पे सर मैं ब्रेक ले रहा हूँ,
अगर आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते मैं ब्रेक ले लेता हूँ। नहीं करिए तिलक जी, प्लीज एक सेकंड। तिलक जी इस तरह की बातें सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज एक सेकंड, सर प्लीज घंटा बताने सर प्लीज सर प्लीज एक सेकंड। मुझे लग रहा है आपकी पार्टी सर 50 सीट लेकर के। एक सेकंड एक सेकंड राणा जी, सर मुद्दे पर आते हैं। मनोज यादव एक सेकंड, सर मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं, मेरे को नहीं अच्छा लगेगा आप लोगों का ऑडियो नीचे। प्लीज एक सेकंड, कंठी माला की बात मत करिए, कंठी माला की बात मत करिए सर। एक सेकंड सर, अपनी पार्टी को तो संभाल नहीं पा रहे। एक सेकंड एके मिश्रा साहब, सर एक सेकंड, मनोज यादव प्लीज, राणा जी सर एक सेकंड प्लीज। राणा जी आप ये बताइए सर, पांच ऐसे जो महत्वपूर्ण कदम योगी सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए उठाए हो, वक्त आपका है, आप प्लीज बताइए जनता को, बताइए सर। नंबर एक, योगी सरकार ने जो शिक्षा मित्रों का विषय था, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार में वो हार गए थे, हाई कोर्ट में सपा की सरकार थी तब हार गए थे, उसको खत्म करा के उनकी नियुक्तियां पत्र देना शुरू किया। नंबर दो, कितनी नियुक्तियां हो गई सर, डॉक्टरों की कमी थी, सपा सरकार हजारों में है, मैं आपको एक साल में सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो किताब आपको दे के जाऊंगा, उसमें पढ़िएगा सर, मुझे चाहिए वो किताब। कितने डॉक्टर्स को कितने टैक्सी, हाँ नहीं है वो सबको बांटी थी हमने, कितने जो है टेक्नीशियन को, जो हॉस्पिटल बन गए, गाड़ियां खरीद ली क्योंकि वो तो बजट से होता है, लेकिन नौकरियां नहीं दी, और नौकरियां जहां मिली वहां पर कोर्ट ने जो है जो नौकरी देने की पद्धति थी उसमें कोई बता रहा था 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई जाति, ये सारा कांड यहाँ हुआ, इससे बाहर निकाल के उत्तर प्रदेश जो 600 डॉक्टरों को पुनः आपने नौकरी दी है उसमें किस जात के डॉक्टर है सर, बताइए सर। फिर जात आ गई बीच में, अब डॉक्टर की भी जात हो गई सर, डॉक्टर की भी जात हो गई। मनोज यादव प्लीज सर, प्लीज सर, सर सिपाहियों में किसकी भर्ती क्या, फिर वो सब जात मत पूछिए सर, नौकरी में भी सर, एक सेकंड सर, सर डॉक्टर की भी जात पूछ रहे हैं आप, एक सेकंड। पुलिस में दरोगा क्यों नहीं पूछा जाएगा सर, मनोज यादव या तो सुन लीजिए, मनोज यादव प्लीज सर सुन लीजिए ना, क्या कदम उठाए सुन लीजिए, पता चल जाएगा आपको भी। मैं बता रहा हूँ, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मिराकल 14 लाख रोजगार गायब हो गया और मिराकल हो रहे हैं सारे विभागों में। वेरी गुड, वेरी गुड। कह रहा हूँ कि जो 55,000 करोड़ झूठ बोलने का तो पुलिंदा खोल रखा है। सरकारी विभाग में कितनी नौकरियां दी आपने सर, सर प्लीज एक सर, कितनी भर्तियां हुई है सर, कितनी भर्तियां हुई है ऑफिशियल आंकड़ा दीजिएगा सर। सर मैं नीचे ब्रेकिंग चलवा रहा हूँ आपके नाम से, एक सेकेंड राणा जी जो बोलेंगे वो ब्रेकिंग चलवाएंगे अभी हम, कि हमने इतना रोजगार दिया, सरकारी आंकड़ा और सच्चा आंकड़ा। वो पुस्तक दी थी, नहीं नहीं सरकारी आंकड़े एक एक विभाग के, नहीं नहीं आप बताइए ना साहब, संकल्प पत्र बांटा सर, कितना है वही तो पूछ रहा हूँ सर, को भी दिया है कि हमने पर विभाग में 1.5 लाख पुलिस की भर्ती की बात की है इन्होंने, संकल्प पत्र में कब निकाली है विज्ञापन बताएं, देखिए कि कितने, बताइए सर पुलिस की भर्ती। और अगर टोटल ठीक बात करूं आरक्षित वर्गों की, तो 50% वैकेंसी आरक्षित वर्ग लगभग 49.5 में कम है, आंकड़ा नहीं बताएंगे सर आप, आंकड़ा नहीं बताएंगे राणा जी, खाली पदों के लिए भर्ती पर जो सरकार ने आंकड़ा है वो बता दीजिए सर, जो भर्ती आप लोगों ने की पुलिस में कितनी हुई आपको, कि मैंने मेरी सरकार ने 6 महीने पर भी, साल भर पर और 1.5 साल पर सर, 2012 से तो नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है, मैं लोगों को ये बताते हैं कहां से भर्तियां हो गई, हमने इतनी नियुक्तियां अब तक की है। ठीक है दिनेश पाठक सर, ठीक है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड, कोई संकल्प पत्र की जगह सर, पत्र बना सर उसमें लिख देंगे, आपको मैं दे के जाऊंगा, मेरे पास अभी भी है सर, प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड। अरे जनता सुनना चाहती है, समाजवादी पार्टी तो आवाज उठाए सर, मैंने कहा ना 15 सालों में सिपाही और मास्टर की भर्ती में क्या कुछ हुआ वो सब तो मालूम है, प्लीज बनना प्लीज एक सेकंड। 1974 का वक्त, छात्र आंदोलन, दिनेश पाठक सर ये समझने की जरूरत होगी, क्योंकि आप पुराने इतिहास का बार बार जिक्र कर रहे हैं और राजनीति करने वालों ने सीधे तौर पर सबक लिया, मैं छात्र आंदोलन का जिक्र कर रहा हूं उस दौर का।
देश के बेरोजगार युवा गुस्से में दिखाई दिए, सत्ता की राजनीति पलटने में देर ना लगी। फिर यहां पर जो है जिस तरह से राजनीति ने करवट ली, छात्र राजनीति सामने आई, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, सपा ने, सबने छात्र इकाइयां खड़ी कर दी, युवा एकता राजनीति को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर गई। आवाज कौन उठाएगा सर? ये दो बातें बहुत साफ है कि आवाज उठाने का किसी जितने भी छात्र संगठन हैं, ये जो छात्र अपने आप मोटिवेटेड होकर कुछ काम कर रहे हैं उनकी बात अलग है, जो छात्र संगठन है सभी पार्टियों के, पार्टियों में आप फर्क नहीं कर सकते हैं। आप हो सकता है कि आज कोई किसी दल में है, कल कोई किसी दल में होगा। आज की भारतीय जनता पार्टी में जितने सदस्य हैं उसमें से बहुत सारे लोग दूसरे दलों से आए हैं। कल फिर अभी जब 2019 का चुनाव करीब आ रहा है तो बहुत सारे लोग फिर इधर उधर होंगे। सर, धर्म और जात के नाम पर स्टूडेंट जो है झंडा डंडा उठा लेते हैं, मेरा सवाल ये है कि वो बेरोजगारी को लेकर सवाल नहीं पूछते सरकार से? नहीं, वो नहीं पूछते क्योंकि उसमें से एक मेजॉरिटी वो मोटिवेटेड है कहीं से। आज की तारीख में तिलक जी लिख के रख लीजिए पर्ची, 13.5 मेरी जानकारी मुताबिक 13.6 करोड़ डेटा है देश में जो बेरोजगार होगा। अनुदात्रे प्लीज 20 सेकंड में फाइनल कमेंट, प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड। सर समय खत्म हो रहा है। 13 करोड़, सर एक सेकंड, सरकार जवाब नहीं दे पा रही, सरकारी आंकड़ों के इतर सवाल खड़े होते हैं, किसी वेबसाइट पर क्लियर आंकड़े भी नहीं है। अनुज अत्रे साहब, आपको लगता है कि 2019 में एक बार फिर से विकास मुद्दा होगा या धर्म मुद्दा होगा या जाति? देखिए, विकास तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकास अब मुद्दा नहीं बनने वाला, क्योंकि जब विकास ये कर ही नहीं पाए, उत्तर प्रदेश के 73 सांसद और 308 इनके विधायक जो हैं कुछ काम नहीं कर पाए। अभी हम पूछना चाहते हैं 4 सालों में यही बता दें इनके 73 सांसदों ने मिलकर के कितने रोजगार दिलवाए अपने अपने क्षेत्र में, कोई क्या विकास किया, एक एक गांव जो उन्होंने गोद लिया था उसकी क्या स्थिति है वही बता दे, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात छोड़िए। देखिए, अभी 4-5 मुख्य मुद्दे होते हैं जो सरकार के जो विकास के मुद्दे होने चाहिए, बाकी चीज़ें तो छोड़ दे, बिजली, पानी, सड़क, आज उन तीनों मुद्दों पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सड़क एक सबसे अहम मुद्दा है, सड़क की हालात देखिए उत्तर प्रदेश की क्या हालात हो रही है। अभी आंधी आई, जरा सी आंधी आई 2 दिन पहले, 64 लोगों की जाने चले गई और मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, वो कर्नाटक में जो है नाटक करते फिर रहे हैं और वहाँ पे प्रदेश में जाने जा रही है। या शिक्षक संस्थाओं में जो है किस प्रकार से राजनीति हो रही है, वहाँ बवाल करवाया जा रहा है अलीगढ़ में, लेकिन किसी को सुध लेने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पे कम से कम राजनीति हर जगह है लेकिन युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है शांतिपूर्वक तरीके से। मनोज यादव, समय खत्म हो गया। राणा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मनोज यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, दिनेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, AK मिश्रा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज अत्रे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।